कैसे हो आप सब? आप सभी को एक मैं अपने YouTube चैनल सुनीता सूरज ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। देखो इधर कितना तेज धूप है। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और मैं छत जा रही हूँ पुदीना पत्ता तोड़ने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी और पालक वाली दाल। तो आप लोग फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहो, आप लोग से मिलती हूँ और रेसिपी आप लोग से आज शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, प्लेट वगैरह नहीं लाई थी फ्रेंड्स, देखो हाथ में ही तोड़ी। जल्दी नहा क्या हो तुम लोग? हाँ बेटा, अभी तक हम लोग नहाए नहीं दोनों बच्चे। हाँ बेटा, हाँ जल्दी से नहाओ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। अब मैं कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ और पालक की दाल, और इसके अलावा पुदीना की चटनी भी बनाऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ पालक की दाल से फ्रेंड्स। तो पालक को मैं अच्छे से तोड़ ली हूँ, वॉश करी हूँ और यहाँ पे कट करके मैं प्लेट में रखी हूँ। और इधर मैं गैस ऑन कर दी हूँ, कुकर में दाल के लिए पानी डाल दी हूँ और अब इसमें मैं पालक डाल दूँगी। उसके बाद राहर की दाल डालूँगी और ये देखो मैं राहर वाली दाल भी इसमें कुकर में डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसमें टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को मैं कुकर में ही डाल दूंगी। इसके अलावा मैं हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी और फिर मैं दाल को अच्छे से चला लूंगी कुकर में ही। सारे चीज़ को एक बार मिक्स कर दूंगी, फिर कुकर को बंद कर दूंगी और 3 सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। और जब तक इधर दाल पक रही है पालक वाली, तब तक मैं अब इधर कटहल की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कटहल को एक प्लेट में रखी हूँ फ्रेंड्स। मार्केट से ही कटहल को कट करके मैं मंगवाई थी। बस इसका ये किनारे वाला जो पार्ट है ना, इसको चाकू की सहायता से मैं निकाल दूंगी और कटहल को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। और अब फाइनली मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ। अब इसको मैं गुनगुना गर्म पानी में वॉश करूँगी, क्योंकि इसका जो लसलसापन होता है ना दूध वाला पार्ट, वो इससे हट जाएगा। तो हल्के गर्म पानी में मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद मैं कटहल बनाऊँगी। और जब तक मैं इधर कटहल के मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2 बड़े प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरा, गोल मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची डाल रही हूँ गरम मसाले में। और इसके अलावा मैं 3 बड़े टमाटर डाल रही हूँ। मैं टमाटर को 2 टमाटर को अच्छे से पीस लूँगी और 1 टमाटर को ना बारीक काट करके डालूँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कटहल की सब्जी बनाती हूँ। यहाँ पे इधर मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ और उसमें कुकिंग ऑयल डाली हूँ। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद मैं उसमें सरसों का फ़ोरन डाली। उसके बाद वहाँ पर मैं प्याज डाली हूँ 2 बड़े। और प्याज डालने के बाद जो मैं हरी मिर्च रखी थी उसे भी इसमें ऐड कर दी हूँ। और जब प्याज अच्छे से भून जाए, उसके बाद हल्दी, मिर्ची और धनिया का जो पाउडर होता है उसे मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम में रखी हूँ फ्रेंड्स। अब मसाला जल ना जाए इसलिए मैं इसके बाद तुरंत कटहल ऐड कर दी हूँ। और कटहल को मैं अब अच्छे से पकाऊंगी। कम से कम आधा पक जाना चाहिए। और जब आधा पक जाए उसके बाद उसमें सारे मसाले को ऐड कर दूंगी। मसाले को मैं यहाँ पे पीस ली हूँ अच्छे से मिक्सी में। और एक टमाटर को मैं ऐसे ही बारीक काट करके इसमें ऐड कर दी हूँ। और इसे अच्छे से भूनूंगी। पूरा मसाला को अच्छे से पकना चाहिए। आधा कटहल तो पहले ही पक चुका था और अब मसाला डालने के बाद वो आधा जो बचा है वो भी पक जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा अभी कस्तूरी मेथी ऐड कर दी हूँ। ये देखो हमारा कटहल बन रहा है। और नमक को स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दूंगी। और जैसे ही नमक डालेंगे ना, उसके बाद कटहल थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो जब तक वो पानी सूख ना जाए तब तक उसे अच्छे से भूनेंगे। और जब वो भून जाए उसके बाद हल्का सा उसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और फिर कुकर को मैं बंद कर दूंगी और 2-3 सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। और फाइनली यहाँ पे ये पक चुका है। मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ, ये देखो। और ये देखो मेरी कटहल की सब्जी बन के तैयार है। बहुत ही यमी। और फ्रेंड्स, अब चलिए मैं बनाती हूँ पुदीने की चटनी को। तो पुदीने की चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं पुदीना ली हूँ, 2 मिर्ची ली हूँ, 2-3 लहसुन ली हूँ। इमली को मैं भिगो के पहले ही रख दी थी और वो भीग चुका है। और आम ली हूँ, कच्चा आम, उसको मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसे मैं मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ और अब इसे पीस लूँगी मैं। और नमक को मैं बाद में ऐड करूँगी फ्रेंड्स। आप पहले भी ऐड कर सकते हो, मैं बाद में ऐड करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये देखो मेरी पुदीने की चटनी बन के तैयार है। और मैं अब इसमें लास्ट में नमक भी ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। और जो मैं पालक वाली दाल बनाई थी उसमें उसका छौंका नहीं लगाई थी, अब लास्ट में मैं उसमें भी छौंका यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, कुछ मेथी के दाने डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ, जीरा, सूखी लाल मिर्च और हल्का हल्का हल्दी, धनिया, मिर्ची का मसाला डाली हूँ और हींग पाउडर डाली हूँ थोड़ा सा। और ये देखो अब इसमें मैं दाल भी ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ा सा दाल, बच्चे लोग हैं ना मेरे, मेरा बेटा, उसको तीखा लगेगा इसलिए उसके लिए मैं सादा ही दाल निकाल दे रही हूँ। और ये देखो मैं अब इसमें ऐड कर दी हूँ। ये मेरे पालक की दाल बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब दोपहर भी हो चुकी है, अब मैं लंच करने जा रही हूँ। ये देखो मेरी लंच की थाली, मैं ली हूँ चावल है, 1 रोटी है, पालक वाली दाल है, कटहल की सब्जी है, लौकी और चने दाल की सब्जी है और पुदीने की चटनी है। और इधर पानी भी रखी हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं लंच कर रही हूँ। और जब मैं लंच कर लेती हूँ उसके 1 या 2 घंटे के बाद कुरियर वाला आता है। मैं फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करी थी फ्रेंड्स, तो उसी को यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे
तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, थैंक यू। और हमेशा आप लोग खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।